हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं बस अभी सैंडविच बना कर किचन से आई हूँ। आज ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने सैंडविच बनाए हैं। इस सैंडविच की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शायद ब्लॉग में भी शेयर करी है, और एक मेरी बहुत अच्छी एक वीडियो है जिसमें मैंने 7 to 8 रेसिपीज शेयर करी हैं सैंडविच की। वो एक पूरी सैंडविच बेस्ड वीडियो है, मैंने उस पर मतलब सारी रेसिपीज़ ही शेयर करी हैं, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप लोग भी मेरी तरह सैंडविच लवर है तो ज़रूर से एक बार उसे देखिएगा और ट्राई कीजिएगा। उसमें बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, मतलब कुछ ऐसी रेसिपीज़ हैं जो बिल्कुल 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाती हैं, कुछ ऐसी हैं जो थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन उनका रिज़ल्ट मतलब वो सैंडविच, उनका टेस्ट, जैसे कि पनीर टिक्का सैंडविच मैंने उसमें ऐड किया था, और एक बर्गर सैंडविच था, मतलब ये सारे थे जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग थे, लेकिन सैंडविच ना वो बहुत टेस्टी बनते थे। और आज जो मैंने बनाया है वो है अनियन कैप्सिकम सैंडविच। इसमें मैं इसे मेयोनीज़ के साथ बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा ऑसम लगता है, और ये बिल्कुल 5 मिनट में बन जाने वाली रेसिपी है, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा। तो ये मैंने अपने लिए और शुभम के लिए बनाया ब्राउन ब्रेड से। मम्मी ब्राउन ब्रेड नहीं खाती हैं, तो मैंने उनके लिए वाइट ब्रेड से बनाया, उन्हें ब्राउन ब्रेड बिल्कुल भी नहीं पसंद, बहुत ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। डू ट्राई इट वंस, रियली यू विल डेफिनेटली गोइंग टू लाइक इट। ये सबसे आसान है, ये वाली शिमला मिर्च, पहले शिमला मिर्च छोड़ दो और फिर इसमें आलू ये शाम का सामान, ये शाम का चाय के साथ दोबारा कढ़ाई में रखनी पड़े। और अब मैं बनाने जा रही हूँ मीठे शक्करपारे। शक्करपारे वैसे मीठे होते हैं, बट हमारे यहाँ पर ना जो नमक वाले, जो नमकीन होते हैं, उन्हें भी शक्करपारे बोलते हैं, इसीलिए मैंने इस तरह से कहा। मैंने उसके लिए थोड़ी सी मैदा ली, उसमें डाले 3 चम्मच घी, और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है शुगर सिरप। शुगर सिरप एक्चुअली था मेरे पास बना हुआ, मतलब वो जो रसगुल्ले थे ना उसका शुगर सिरप बच गया था, और मम्मी को ये वाले जो शक्करपारे हैं बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इस तरह से इन्हें बनाने की सोची। और हाँ, एक पिंच मैंने सॉल्ट भी ऐड किया था। सॉस के साथ मजा आता है, सॉस खत्म हो गया, मंगाऊंगी अभी। कैसे बस इतने लेट आई इस तरफ से, उधर गर्म उधर, लेकिन हम कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं करते ना, रसगुल्लो की चाशनी के ही माँ से सीख कुछ। मैंने आइडिया दिया था, झूठ मत बोलो, तो वो सीखा था मेरे से ही है ना। कैसे है? बिल्कुल नहीं अच्छा है ना, मीठा भी एकदम परफेक्ट है। शाम को लेगा ले है ना, कब तक है वो? सूतक 2 बजे से 5 बजे तक है, उसे पूछ ही पड़ना तो नहीं है ना, कब तक करना। मजा है खाना खा के, तो खाना तो खाना बिस्कुट। मैं अभी शाम को कुछ बहुत ही टेस्टी सा बनाने वाली थी, मेरा मन कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो बता देती हूँ। नाम वैसे भी थंबनेल और टाइटल्स आपको पता चल ही रहता है, तो
मैं वड़ा पाव बनाने वाली थी और मैंने सुबह पापा जब गए थे दूध लेने के, पापा सुबह बाहर जाते हैं, तो तब मैंने पाव मंगा लिए थे और मम्मी ने सुबह आलू भी बॉईल कर दिए थे। प्लान शाम को बनाने का था बट अब सोच रहे हैं हम लोग, मम्मी कह रही हैं कि सुबह बनाते हैं, तो फिर अब मैं सुबह बनाऊंगी। बहुत ही इजी एक रेसिपी होती है और बहुत टेस्टी लगते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ जब कल सुबह बनाऊंगी तो उसकी पूरी रेसिपी शेयर करूंगी। फिलहाल तो अभी आई थिंक सब लोग चाय ब्रेड खा रहे हैं, मम्मी बनाने गई हैं, मैं बस किचन में जा रही हूँ। और बाहर अब थोड़ा शांति है, एक टाइम पे बहुत 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 तेज़ तूफान आंधी मैंने आपको दिखाया था हो रहा था, बारिश थोड़ी सी स्टार्ट हुई थी बट नहीं आई, चाहिए बारिश थी क्योंकि कल से ना यहाँ पर बहुत तेज़ गर्मी हो रही, एकदम उमस वाली गंदी गर्मी, लेकिन बारिश नहीं आई। बिस्किट हम ये वाले लेंगे, नाक टूट गया मैं आपका अंदर से गया बाहर का तो है। मॉर्निंग गाइस, आज है नेक्स्ट डे और मैंने बस अभी जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है उससे फ्री होकर अभी शावर लिया है और मैं जब एक्सरसाइज करके फ्री हुई थी तो उसके बाद मैं ना वो जो ड्राई चटनी बनती है वड़ा पाव के लिए उसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन करके आई थी और भी आप लोगों को दिखा दूँगी क्या कुछ मैंने प्रिपरेशन करी है और हर एक चीज़ की रेसिपी और हर एक स्टेप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी स्नैक बनकर तैयार होता है। कल शाम को मैं स्नैक्स में बनाने वाली थी, मैंने आपको बताया था, बट अभी मैं उसे ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ। मैंने यहाँ पर थोड़े से जो वाइट तिल होते हैं, थोड़ी सी मूंगफली और थोड़ा सा गार्लिक को ड्राई रोस्ट किया है और यहाँ पर लिया है मैंने थोड़ा सा बेसन और जितने आपको वड़े बनाने आप उस हिसाब से बेसन ले सकते हैं, मैंने भी अंदाजे से लिया है। उसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है और मैं इसे हल्का सा मिक्स कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी बहुत ही बेसिक से कुछ ड्राई मसाले। थोड़ा सा धनिया पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी रेड चिली और थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें हल्दी पाउडर और बस इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक और बस इस सबको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और कोई भी मसाले मैंने इसमें ऐड नहीं करे हैं, बिल्कुल बेसिक से मसाले जो यूजुअली हम हर चीज़ में डालते हैं। और इसका एक थिक पेस्ट बनाऊँगी मैं, मतलब बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा। और यहाँ पर मैंने मिक्सर जार में मैंने जो चीज़ें रोस्ट करी थी वो ली है, उसमें डाला थोड़ा सा नमक और रेड चिली पाउडर और इस तरह से उसका एक पाउडर बना लिया। इसे आप वड़ा पाव के लिए ड्राई चटनी भी कह सकते हैं या फिर एक पाउडर जो वड़ा पाव बनाते वक्त हम लोग यूज़ करेंगे, काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। और अब मैं यहाँ पर जो बॉयल्ड आलू हैं वो मैं मैश कर रही हूँ। अब लिया है मैंने यहाँ पर थोड़ा सा तेल, उसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी मैं इसमें राई भी ऐड करूँगी, दोनों ही चीज़ें डालूँगी और उसके बाद मतलब ये थोड़ा सा क्रैकल हो जाए, राई बाद में डालनी है क्योंकि राई अगर बहुत ज़्यादा देर तेल में रहती है तो वो कड़वी हो जाती है, इसलिए मैंने राई बाद में ऐड की है। उसके बाद मैंने इसमें चॉप्ड अनियन ऐड किए हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट सूखे मसाले जो मैं इसमें डालने वाली हूँ वो भी डाल सकते हैं, बट मुझे अनियन पसंद है मैंने डाली है। उसके बाद मैंने इसमें ग्रेट किया है थोड़ा सा अदरक को और ये एक पेस्ट मैंने अभी बनाया था, पेस्ट नहीं क्रश किया था गार्लिक और जो हरी मिर्ची होती है उसको, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और आप चाहें तो जो अदरक है उसको भी क्रश करके डाल सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं है क्रश फॉर्म में अदरक, तो मैंने उसे ग्रेट किया है। और बस अब इस सबको मैं अच्छे से थोड़ी देर भून लूँगी
ताकि इसका जो कच्चापन है सब चीज़ों का वो थोड़ा निकल जाए। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी वही बेसिक से मसाले। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर डाली है हल्दी, लाल मिर्च मैं इसमें नहीं ऐड करूँगी क्योंकि बेसन में भी है और इसमें मैंने हरी मिर्च ऑलरेडी ऐड करी है। थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें नमक और बस इसे भी अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करके कुछ सेकेंड और भूनने के बाद मैं जो आलू है वो इसमें ऐड कर दूँगी। वैसे मैंने कढ़ाई छोटी ली है तो मैंने मसाला आलू के अंदर ऐड कर दिया था, लेकिन जब आलू हमें इसमें ऐड करने हैं ना तो वो गैस फ्लेम ऑफ करने के बाद करने हैं अगर आप उसी कढ़ाई में आलू डाल रहे हैं। मैंने तो जो इसमें आलू मैश किए थे ना उसमें ही ऊपर से ये मसाला डाल दिया था और बस कुछ नहीं करना है बाकी, इस सबको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करना है। और हाँ, मसाला ही थोड़ा गर्म होगा तो ठंडा होने के बाद हाथों से आप इसे मिक्स करें। और हाँ, एंड में ये चीज़ मैं भूल गई बताना, मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड किया था क्योंकि इसमें सब कुछ बहुत ही मसाला मसाला है, कुछ भी खट्टा हमने ऐड नहीं किया था। और जब भी कोई चाट वाली चीज़ बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा खट्टापन होता है तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड किया था। और बस अब मैं सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। खाओगे पापा? मैं पीछे को रख दूंगा। गुस्सा हो गया? ऐसे खाना है? हाँ ऐसे खाना है। करो चलो, अभी तो खाना खाया मैंने। टेस्ट करो रुपचाप। मिर्ची भी खानी है सीधा बोरी। अच्छा नहीं खाने? अच्छी लग रही है, सही है मिर्च। लहसुन खा रहा हूँ। लहसुन तो यार मेरा फेवरेट है, क्यों नहीं आएगा? अच्छा है कि बन गए मेरे सारे बड़े। चटनी नहीं खाते इसके साथ? क्यों? मतलब खाने खा लो वैसे खाते हैं। मम्मी ने टेस्ट किया और एक सेकेंड कैमरा फोन उल्टा पकड़ लिया था। मम्मी ने टेस्ट किया उसके बाद वो लेने गई हैं सॉल्ट, मतलब वो जो हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी होती है ना वो मम्मी ने बना के फ्रिज में रखी हुई थी, यूजुअली रखी रहती है। तो मम्मी कह रही है मुझे इसके साथ और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। मतलब ठीक है मुंबई महाराष्ट्र स्टाइल वड़ा पाव होता है, बट हम नॉर्थ वाले हैं तो अपना एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं चटनी के साथ। बढ़िया मजे। ये को दे दो सुनोगे? दे दिया। और बस बनाई दे जो खाओ खाओ। खाले सुबह में कोर। अरे फिर दोपहर को भिंडी रोटी है? आज तो शुभम ने रिव्यू भी दिया है। क्या? मैंने कैमरा बस उसकी तरफ नहीं करा तो उसने बोल दिया बढ़िया है। पहली बार बढ़िया है तो सच में। अच्छा ये पर समझ नहीं आएगा देख के कैमरा में भी कुछ है। अब देख रहा है मेरा वो देख देख रहा है। मम्मी कितनी खुश हो रही है। मम्मी ने खूब देखे हमने नहीं देखे। अभी कर दी बाद में कर लेती। गर्म हो रही है किचन में।